So here is a martial arts type forearm workout. धीरे धीरे आपका ग्रिप काम करना बंद कर देगा, इसलिए बी केयरफुल वेयर यू आर डूइंग इट। थोड़ी देर बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। एंड ट्राइंग टू नॉट एडिट दिस वीडियो, इसको आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वेलकम बैक। मार्शल आर्ट्स में या फिर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में लोग जो इन्वॉल्व होते हैं उनका आपने नोटिस किया होगा ग्रिप स्ट्रेंथ, फोरआर्म स्ट्रेंथ उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रांग होता है, उनका फोर आर्म, उनका ग्रिप। ये एक तरीके का एंड्योरेंस होता है जो स्पेशल लोग बिल्ड करते हैं। अगर आप नॉर्मल जिम जाते हैं, आपका फिटनेस है, आपका स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा सा एक और स्टेप आगे लेके जाना है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक काम होता है, जैसे कि ग्रैपलिंग होता है, उसमें यू नीड योर ग्रिप, यू नीड दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ। सम एक्स्ट्रा वर्क हैज टू गो इन टू दीज थिंग्स एज वेल। नाउ इफ यू वॉन्ट टू वर्क स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स इन योर बॉडी, आपको करना है तो आप जिम में जो नॉर्मल एक डंबल के साथ करते हैं वो ऐसा ऐसा किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, थोड़ा नीचे की तरफ किया, दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज अदर लिफ्टिंग वेट्स विल ऑल्सो इंक्लूड योर ग्रिप एंड फोर आर्म स्ट्रेंथ। बट दिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट विदाउट इक्विपमेंट एंड इंक्लूडिंग सम वेपन्स। तो पहले कुछ एक्सरसाइजेस में आप बिल्कुल खाली करेंगे, विल डू ईच एक्सरसाइज 1 मिनट, 60 सेकेंड्स को करेंगे, एंड देन वील मूव ऑन, पिक अप वन सिंपल लाठी। अभी ये जो वेपन टाइप की चीज़ें होती हैं, ये स्पेशली मार्शल आर्ट्स के वेपन आपको देखने में बहुत सिली लगता है कि इसका क्या करना है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप रेगुलर अपना शैडो प्रैक्टिस और बेसिक मार्शल आर्ट या फिर बेसिक फिटनेस करते हैं, उसके साथ अगर आप कुछ भी तरीके का वेपन, ये देखो बिल्कुल लाइट है, दिस इज़ नथिंग, बट वेन यू स्टार्ट हैंडलिंग दिस स्टफ, आपका जो नंचक हो गया, या फिर अगर आपका जो छोटी वाली लाठी होती है, जो डंडा होता है, या फिर जो ये होता है बो स्टाफ, ऑल दिस व्हेन यू स्टार्ट हैंडलिंग दिस, यू विल गेट अ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, एकदम आपको अंदर से फील होगा इन योर फोर आर्म स्ट्रेंथ, आपका ग्रिप का जो एंड्योरेंस है, कितनी देर तक आप कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली वर्किंग ऑन स्पेसिफिक मसल्स, दिस इज़ वर्किंग ऑन द होल टेक्निक, कि आप पूरा एक नया स्किल सीख रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड एक होलिस्टिक बात है पूरी बॉडी को कैसे मूव करते हैं, और उसके साथ साथ फोर आर्म्स का वर्कआउट हो रहा है। इन अ सेंस नॉट नेसेसरली वर्किंग ऑन आइसोलेटिंग द मसल, सिर्फ मसल पे नहीं, उसके ओवरऑल स्ट्रेंथ पे, जो कि थोड़ा सा और फंक्शनल है। ऑलराइट, तो क्या कर रहे हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, किसी भी तरीके का आप टाइमर यूज़ करेंगे, यू विल मार्क 60 सेकेंड्स, नहीं तो वॉल क्लॉक, मतलब कुछ भी है, जस्ट सी अप्रॉक्सीमेटली 60 सेकेंड्स ईच एक्सरसाइज वी विल डू। दिस इज फॉर द स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस। पहला वाला एक्सरसाइज, वी विल जस्ट स्टैंड लाइक दिस, और यहाँ से आप दोनों हाथ को सीधा रखेंगे, और यू विल क्लोज योर हैंड्स, यू विल क्लोज योर हैंड्स एंड ओपन, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। इसको थोड़ा सा स्पीड में करना है, ये देख के आपको लगेगा कि ये क्या है, but the thing is when you do it for 60 seconds you will understand, that's exercise number 1. exercise number 2, we'll bring our hands really close to each other, isko aap pehen sakte ho utar sakte hain, you can use something else. what we'll do is bring these really close, aur thoda sa feel karna hai, thoda sa feel karo, forearm ka use ho raha hai, mind muscle coordination nahi banta to pehle banana padta hai, socho muscle use ho raha hai, then bring it really close and consciously do this, we are moving forward, ye karenge 60 seconds slowly but with a certain intention, अच्छे से करना है। Exercise number 2 था ये। Number 3, we'll bring our hands down, and what I'm doing when I bring my hands down, I'll bring my hands down close and then go up and down, ये नीचे 1, 2, 3, nothing, just kind of doing the dumbbell curl without the dumbbells. Exercise number 4, I'll bring my hands forward and I'll just go up and 1, 2, 3, 4. This is what I'll do. इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है, लेकिन बहुत धीरे भी नहीं करना है, वी विल डू इट इन अ कॉन्स्टेंट स्पीड और 60 सेकेंड्स ईच एक्सरसाइज। व्हेन दिस इज ओवर देन वील मूव ऑन टू दिस वन, दिस इज ऑप्शनल बट दिस इज व्हाट द वीडियो इज अबाउट, वी आर यूजिंग मार्शल आर्ट्स वेपन्स टू इनकॉर्पोरेट इन टू अ फोर आर्म वर्कआउट। इसमें सिंपल आप जो फॉरवर्ड रोटेशन होती है, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ रोटेशन, if you want to make it a little more special, if you want to make it a little more complicated, if you want to, if you can, we'll do one and we'll go back, one
एंड बैक. नोटिस ये जो वेपन मूवमेंट्स है इसमें बहुत सारी डिटेल है, इसको अपने आप में सीखना बहुत ज़रूरी है. बट फिलहाल जितना होता है जो भी आपका टेक्निक आपको आता है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे 60 सेकेंड्स फॉर राइट हैंड, 60 सेकेंड्स फॉर लेफ्ट हैंड. दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग ऑफ द रिस्ट. ये रिस्ट यूज़ कर रहे हैं आप, रिस्ट को आप यूज़ करेंगे लेकिन एल्बो को भी यूज़ करेंगे, बॉडी को भी यूज़ करेंगे. ये पूरा होल ऑफ बॉडी अप्रोच होता है बिकॉज इट इज़ अ वेपन. यू आर नॉट आइसोलेटिंग अ मसल एंड वर्किंग इट आउट लाइक इन द जिम, जो कि अच्छी बात है. दैट इज सिंपल, दैट इज़ अ ईजियर वे ऑफ डूइंग इट. बट वी आर डूइंग इट फॉर अ लार्जर फाइटिंग वेपन. इट्स अ मार्शल आर्ट. Even back, this time this X you are making becomes opposite. 1, 2, 1, 2 basically. Aage, peeche. Nahi to technique number 3, you can even go for something like this if you know. Ye aage ki tarah. At least 2 of these spinning techniques we'll use. Both of these, I'll try to do 60 seconds for both hands. And that's the workout. ऑल राइट, ट्राई करते हैं 60 सेकेंड्स. वील स्टार्ट एंड गो. इसमें स्पेशलिटी है कि अभी तो कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा. इट्स वेरी सिंपल बट लेट द टाइम पास एंड यू विल फाइंड आउट. आई एम ट्राइंग टू नॉट एडिट दिस वीडियो, इसको आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज, ये शुरू हो गया. आई एम स्टार्टिंग टू फील इट नाउ. द थिंग इज दिस विल constantly become difficult, धीरे धीरे difficult होता जाएगा. हाँ 30 seconds. I think the wrist watch is not a very good idea, उसको बार बार देखना पड़ेगा. Five, four, three, two, one, yes. Second one. कुछ नहीं है, साइलेंटली आप करोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप एक्सरसाइज कर रहे हो. बट द थिंग इज यू विल फील इट. And it won't take a lot of time. Like 5 मिनट में पूरा काम खत्म हो रहा है. इसमें आपको मन करेगा रुकने का, इसमें आपको मन करेगा बात करना, बीच में रेस्ट करने का. बट द थिंग इज डोंट स्टॉप, कीप गोइंग. अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो कोई बात नहीं, चलते रहिए, करते रहिए. यस, मूविंग ऑन. एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज पे जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बीच में रेस्ट नहीं है. सो वी विल मूव अकॉर्डिंगली. आई थिंक 15 सेकेंड्स. यस, थोड़ी देर बाद टाइम देखना आप भूल जाओगे, थोड़ी देर बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है. यस, आप देख रहे हैं मेरा स्पीड कम हो चुका है. ऑल राइट, दैट्स अप्रोक्सिमेटली इट. लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं. इसमें मेरे ख्याल से ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट दैट्स ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फोकस करना ऊपर वाले पार्ट पे.
सॉरी फॉर दैट। स्पीड कम हुआ कोई बात नहीं, इंटेंसिटी कम नहीं होना चाहिए, उसको दबा के करिए, राइट, डू नॉट स्टॉप। यस 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 एंड दैट्स इट। मूविंग ऑन टू आवर लाठी एक्सरसाइज। See, this is where it becomes a workout. Yes. That's one side. Other side. मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर टू। इसमें देखेंगे आप धीरे धीरे टेक्निक थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है, बट दैट्स ओके, वर्कआउट है, चलता है। धीरे धीरे आपका ग्रिप काम करना बंद कर देगा, इसलिए बी केयरफुल वेयर यू आर डूइंग इट। इसीलिए कहते हैं स्कूल में पढ़ाई वगैरह कर लेनी चाहिए, वरना परी दोपहरी में कैमरा के आगे लाठी घुमा रहे हैं, बताओ। यहां पे आप देख सकते हैं मेरा बॉडी का टेक्निक वगैरह सारा खराब हो चुका है, बट इट्स ओके। सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेपन्स, कुछ भी लाठी चाहे ननचाकू को समथिंग, यू ट्राइंग टू डू समथिंग विद दिस, बी केयरफुल, आपको अपना सराउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। एंड दैट्स इट, दैट्स आवर वर्कआउट।
टू एक्सरसाइजेस फॉर द लाठी, एकदम राइट का भी 60 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, लेफ्ट का भी 60 सेकेंड्स. नाउ आई शो यू, आई कांट शो यू व्हाट आई एम फीलिंग, बट द फोर आर्म का जो इंटेंसिटी होता है आपका, आप रुक नहीं रहे. इट्स मोर लाइक एन एंड्योरेंस वर्कआउट. दिस इज वाई आई सेड दिस इज मोर फंक्शनल. अभी आप जिम में जो करते हैं वो भी फंक्शनल ही होता है. ये फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शनल फिटनेस, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है. बट द थिंग इज, दिस इज हाउ रियल लाइफ इज. यू विल हैव टू डू समथिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसको एंड्योरेंस करते हैं, उसको एंड्योरेंस कहते हैं. वो एक प्रॉपर फिटनेस है जो सबके पास होनी चाहिए, एंड दैट्स अ गुड वे टू ट्रेन समटाइम्स, राइट? सो आई कैंट टेल यू व्हाट आई फील, बट दिस इज अ ग्रेट पंप. एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथ फिंगर्स स्पेशली चलना बंद हो गए हैं. बट द थिंग इज, दिस इज हाउ यू विल फील इन अ रेगुलर फोरआर्म वर्कआउट एज वेल. नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस इज बेटर देन एनी अदर काइंड ऑफ वर्कआउट मेथड. इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स यू कैन प्रैक्टिस, बिकॉज नॉन स्टॉप है. थोड़ा सा मार्शल आर्टिस्टिक वे में किया है, दैट्स वॉट वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. इफ यू लाइक द धोती आई वॉज वेयरिंग, धोती इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप नंबर है नीचे, उस नीचे वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं. उसमें आप धोती को ऑर्डर कर सकते हैं. हमारा मर्च डिज़ाइंस है कड़क मर्च पे, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. और दैट्स इट. एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अभी तक देख रहे हो और अगर आपको वो लाठी स्पिनिंग ज़्यादा समझ नहीं आई कि कैसे करनी है, थिंग इज हमारा मडी मसल्स का जो कोर्स 2 है, दैट वॉज बेसिकली अबाउट लाठी स्पिनिंग टेक्निक्स. उसमें कैसे आप लाठी स्पिन करते हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स, हाउ टू डू इट एज अ वर्कआउट, ऑल दीज टेक्निक्स आर शोन इन सेपरेट ट्यूटोरियल्स. आप उसको अगर देखेंगे, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट दिस कैन बी. मडी मसल्स कोर्स 2 इज बेसिकली अबाउट दीज लाठी स्पिनिंग एक्सरसाइज.